नमस्ते मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और अपना हाथ अच्छी तरह से धो रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबने अपने पिछले वीडियो में छ व्यंजन वर्ण सीखा था, है ना? बच्चों, छह से एक ऐसा शब्द बताओ जो हम बारिश के मौसम में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रेनी सीजन में, और जो हमें गीला होने से बचाता है। बता सकते हो क्या है वो चीज? हाँ, सही कहा, छह से छतरी। देखिए बच्चों, ये है छतरी। छह से छतरी, छतरी को हम इंग्लिश में अम्ब्रेला कहते हैं। तो बच्चों, आज का व्यंजन वर्ण हम सीखेंगे ज। छ के बाद आता है ज। देखिए बच्चों, ये है ज। ध्यान से सुनो, इसे हम ऐसा कहते हैं ज ज। तो बच्चों, आज हम ज से शुरू होने वाले शब्द सीखेंगे और ज लिखना सीखेंगे अपनी कॉपीज में, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले मिलिए इनसे। ये है जग्गू। ये एक शेर है। इंग्लिश में हम शेर को लायन कहते हैं। हाँ, देखो कैसे गुस्सेल दिख रहा है। मुझे तो शेरों से बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, उनके देखो कितने बड़े बड़े दांत होते हैं। तो बताइए जग्गू जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं बच्चों को जो से एक शब्द सिखाने आया हूँ। तो बच्चों बताओ तो, मैं कहाँ रहता हूँ? मेरा घर कहाँ है? अभी तक नहीं पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये सुनो, मैं जंगल का राजा हूँ, सबसे बड़ा शिकारी हूँ। मुझसे आंखें लगाओगे तो डर जाओगे, पास आए तो खाए जाओगे। तो बच्चों, अब ये बताओ, इस कविता में एक शब्द है जो च से शुरू होता है और जो मेरा घर है। हाँ, सही कहा, शाबाश, ज से जंगल। सही कहा बच्चों, ज से होता है जंगल, जहाँ शेर रहते हैं, यानी कि लायन रहते हैं, और बहुत सारे जानवर रहते हैं। जंगल को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं। तो बच्चों, अब इनसे मिलिए। ये है राजू। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है राजू और मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। तो बच्चों बता सकते हो मैं कौन हूँ? मुझे देखकर आपको क्या लगता है मैं कौन हो सकता हूँ? आओ बच्चों पास आओ, मैं तुमको एक जादू दिखाऊं। चौक सब जाओगे, ताली सब बजाओगे, कौन हूँ मैं बताओ तो, कौन हूँ मैं? तो बच्चों, अब ये बताओ, राजू कौन है, क्या करता है? हाँ सही कहा, जादूगर। अरे ये तो ज से एक शब्द हो गया, ज से जादूगर। इंग्लिश में हम कहते हैं मजिशियन। तो बच्चों, राजू एक जादूगर है, ज से जादूगर। बच्चों अब ये बताओ, ये क्या है? तो बच्चों, ये है शिप। हाँ, मगर हिंदी में हम शिप को क्या कहते हैं बताओ? हाँ सही कहा, ज से होता है जहाज। देखिए, ज से जहाज, यानी कि शिप। तो बच्चों, जहाज एक
मोटर ट्रांसपोर्ट है, हाँ, जो लोगों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाता है और सामान भी पूरे विश्व में पहुंचाता है। मैं पानी में चलता हूँ, मेहनत में करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह सबको लेकर जाता हूँ, सबका सामान ही ढोता हूँ। तो बच्चों अब ये बताओ, जैसे आपको कौन से शब्द सुनने को मिले हैं? हाँ, जैसे जंगल यानी कि फॉरेस्ट, जैसे जहाज यानी कि शिप, जैसे जादूगर यानी कि मजिशियन। तो बच्चों सबको मजा आया? तो चलो अब हम सब ज लिखना सीखते हैं अपनी कॉपीज में। देखो बच्चों, मैं आपको ज लिख के दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। पहले हम देखिए ऊपर के लाइन से शुरू करेंगे, फर्स्ट ब्लैक लाइन से। देखिए एक खड़ी पाई खींचेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, सेकंड ब्लैक लाइन तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम देखिए राइट की तरफ से हम एक सोई पाई खींचेंगे, लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ, देखिए यहाँ ऐसे, ठीक है। अब उस लकीर को जोड़कर हमें आधा गोला खींचेंगे जो नीचे के लाइन से टच होकर ऊपर तक ऐसे जाएगा, ठीक है, और ऊपर एक सोई पाई ऐसे खींच देंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको एरो मार्क ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए पहले हमने खड़ी पाई खींचा था ना ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, ये हो गया हमारा पहला चरण। उसके बाद बीच में से हमने एक सोई पाई खींचा राइट की तरफ, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। बाद में देखिए इस लाइन को जोड़कर हमने एक आधा गोला ऐसे खींच दिया नीचे के लाइन को टच करते हुए, ये हो गया हमारा तीसरा चरण। उसके बाद हमने सोई पाई खींच दिया ऊपर, ये हो गया हमारा चौथा चरण। तो बच्चों समझ में आया? मैं आपको और एक बार लिख के दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमने पहले खड़ी पाई खींचा ऐसे, फिर बीच में से एक सोई पाई ऐसे खींच दिया, फिर उसको जोड़कर एक आधा गोला और ऊपर एक सोई पाई। ठीक इसी तरह ही आपको अपनी कॉपीज में लिखना है। तो बच्चों चलो अपनी कॉपीज खोलिए और हिंदी का पेज निकालिए। पहले हम यहाँ पर CW और आज का डेट लिखेंगे, CW यानी कि क्लास वर्क, और उसके नीचे आज का डेट। आज का डेट है 3/7 यानी कि जुलाई 2021, 3 जुलाई 2021, ठीक है। अब देखिए ऊपर यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे, आज हम ज लिखना सीखेंगे। ये मैंने ज लिखा और पास में छोटा सा एक हाइफ़न देंगे और ज से जहाज का चित्र बनाएंगे। देखिए बच्चों ये हो गया हमारा ज से जहाज। देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर
लिखना शुरू करूँगी। पहले एक खड़ी पाई खींच दिया ऐसे, फिर बीच में एक सुई पाई, फिर एक आधा गोला ऐसे खींच दिया, नीचे की लाइन को टच कर दिया और फिर ऊपर एक सुई पाई। ऐसे ही आपको तीन लाइंस में लिखना है, ठीक है। अब हम एक एक जगह छोड़कर पांच बार लिखेंगे। ऐसे ही आपको पांच बार क्लास वर्क में लिखना है। अब यहाँ पर हम होमवर्क लिखेंगे, HW और नीचे आज का डेट। आज का डेट है 3 जुलाई 2021। होमवर्क भी आप सबको पांच बार लिखना है 3 लाइन्स में।